तो दोस्तों अभी मैं सांगली में हूँ और आज संडे है और संडे का दिन है। बिल्कुल मैं पूरा दिन फ्री था, सुबह क्रिकेट खेलने गया था, तब से सो कर उठा हूँ और उसके बाद से आज मेरा प्लान है कहाँ जाने का, वो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं जिसके साथ जा रहा हूँ वो मेरे ट्रेनर है जिम के, और जो कि पर्सनल ट्रेनर हैं तो उनको ही पता है कि कहाँ ले जाएंगे वो। तो अभी ये सांगली का ये मीरज कुपवाड़ रोड है, ये मीरज रोड है, बगल में ये जा रहा है, यहाँ से 8 किलोमीटर मीरज पड़ता है और सामने ये जिला परिषद है और इधर ही मेरा जिम भी है। तो मिलते हैं उनसे, इनका नाम योगेश वारे है और ये पर्सनल ट्रेनर है, काफ़ी अच्छी इनकी फिजिक है और उन्हीं के बुलेट से ही हम लोग जो है जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, है ना। देखते हैं कहाँ की सवारी निकलती है। मुझे लगा वो आगे वाले। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर। पनाला फोर्ट जा रहे हैं, जो कि अभी यहाँ से करीब करीब 4-5 किलोमीटर होगा यहाँ से, ठीक है। तो प्यास लगी हुई है और हम लोग गन्ने का जूस पियेंगे फिर आगे निकलेंगे पनाला फोर्ट, देखते हैं कहीं बंद ना हो गया हो। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं किले पनाला, ठीक है। करीब करीब 1.5 घंटा चलने के बाद यहाँ पहुँच चुके हैं। कोल्हापुर से करीब करीब 18 किलोमीटर दूर ये पड़ता है और आज की हमारी गाड़ी जो है ये है बुलेट 350। आप तो जानते होंगे इसके बारे में, सबसे ज़्यादा यानी रॉयल इनफील्ड को रॉयल इनफील्ड बनाने वाली कंपनी, इसी के दम पर पूरी रॉयल इनफील्ड चली है और आज लोग बहुत सारे वेरियंट जो जानते हैं। इतनी कम्फर्टेबल गाड़ी आप इसे 400-500 किलोमीटर लगातार चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और स्टाइल के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है, वही विंटेज वही स्टाइल, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। तो इसको क्या बोलते हैं, बाकरी और झुमका बाकरी बोलते हैं। क्या झुमका बाकरी? झुमका बाकरी। अरे भाई देखिए शाम हो गया है लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे खाना बंद नहीं हो रहा है, महाराष्ट्रियन खाना है हमारे सामने। जबरदस्त मजा आ रहा है। कितना साल हो गया होगा? 350 साल। तो इसमें शिवाजी महाराज खुद ही रहते थे? हाँ खुद रहते थे। अभी इसका कुछ भी मेंटेन करने को कुछ बचा नहीं है, है ना। अभी एक बस ये एक स्मृति चिन्ह के रूप में पड़ा हुआ है और 350 साल पुराना ये तो किले की बाउंड्री रही होगी, है ना। यहाँ से तो पूरा कोल्हापुर हमारे सामने है। ये देखिए पहले के टाइम में किस तरीके से पानी का इंतजाम किया जाता था, है ना। पानी बरसता होगा तो भी यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता था, पानी यहाँ पड़ा रहता था। आज तक ये कुआं अभी तक मौजूद है, करीब 350 साल पुराना कुआं, ठीक है। क्या जबरदस्त नक्काशी है भाई साहब। दोस्तों थोड़ी बातें मैं इस किले के बारे में बताऊं जिसको पनाला फोर्ट कहते हैं। ये किला वैसे तो 11वीं सदी में बनाया गया था
लेकिन इसको रह रह के तमाम राजाओं ने कंप्लीट भी किया, क्योंकि ये किला पूरी तरीके से बिजनेस, व्यापार और प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा जरिया था। और किले का लोकेशन जो कि कोल्हापुर से करीब 20 किलोमीटर दूर ये स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी 17वीं सदी में यहाँ पर रहे और इन्होंने बहुत वक्त यहाँ पर बिताया, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मुगल एम्पायर भी यहाँ पर रहे हैं, जिसमें सहजल शाह को हराने के बाद शिवाजी महाराज ने इस पूरे किले को कैप्चर किया और इसमें थोड़े और रिनोवेशन करवाए। शिवाजी महाराज के जाने के बाद इस किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से कब्जा किया और 1947 तक खैर कब्जा था, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपने अंदर ले लिया। आपने वो कहानी सुनी होगी, वो सुना होगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो जो राजा भोज थे वही इस किले को बनाए थे। ये जो लाइन आती है ना, वो इसी किले से आती है, जो कि एक खूबसूरत किला है। दोस्तों ये किला सांप के आकार का है, तो इसको फोर्ट ऑफ स्नेक्स भी कहते हैं। स्नेक जैसा इसका आकार है, सांप जैसा पूरा बना हुआ है। अब तो काफ़ी इससे इसके क्षतिग्रस्त हो गए हैं, फिर भी ये किला काफ़ी खूबसूरत है। किले का कोई तय अभी, सारे दरवाजे ओपन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं और एक इकोनॉमी के पर्पज़ से बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ लोग सैटरडे संडे ही नहीं पूरे दिन आते हैं। खैर हम लोग तो संडे पहुँचे थे, लेकिन काफ़ी अच्छा सनसेट भी देखने को मिला, काफ़ी अच्छा। अंदर तो जाना मना है ना? नहीं मना। और अभी कितना भी क्या है इसके कुछ पता लगता नहीं, इसका कितना फ्लोर नीचे अंदर जाना है। इस गाड़ी में हम लोगों को सबसे पहला काम क्या कराना है, इस गाड़ी का लाइट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद से गाड़ी में एक फॉग लाइट की ज़रूरत है यहाँ पर, और गाड़ी में वो बड़े बड़े वाले मिंडा के हॉर्न, ये तीन काम हो गया उसके बाद से। तो योगेश सर हमारे जो है ना मज़ा आया पूरा, हमारा गजब का ट्रिप था, ठीक है, पनाला फोर्ट का। और आज की हमारी साथी ये रही है, और इसको तो आप पहचानते ही होंगे, अभी पहचान जाएंगे, अब तो पहचान ही गए होंगे, है ना। तो अभी हम लोग साई राम कैफ़े पे आए हैं, यहाँ की कॉफ़ी भाई साहब सांगली में सबसे ज़्यादा फेमस है, फिल्टर कॉफ़ी, ठीक है। और आज हम लोग फिर कॉफ़ी का मज़ा लेंगे, चूँकि जिम तो आज है नहीं, तो टाइम है पूरा, करते हैं इंजॉय। तो फिर चलते हैं, ठीक है ना, कल फिर मिलते हैं जिम में, है ना, फिर ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। आज तो फिर बताया, फिर नेक्स्ट प्लान बनाते हैं कोई बढ़िया। ओके बाय।